फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज हम लोग कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो ऐसे ब्रांड को हम लोग भिड़ाने वाले हैं और इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो ये कंपैरिजन वीडियो होने वाला है और हम लोग कंपेयर करेंगे और इसके बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जानेंगे कि इनमें से कौन सा बेटर है, किसको कौन सा लेना चाहिए। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो ब्रांड, जो है नथिंग और मीवी। तो एक जो है चाइना का ब्रांड है नथिंग और एक जो है इंडियन ब्रांड है मीवी। तो दोनों अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं। तो मीवी बहुत सालों से है और नथिंग तो अभी आया है। जैसे आपको पता होगा, नथिंग फोन लॉन्च हुआ था, उसके साथ साथ नथिंग 2 लॉन्च हो गया है, अब नथिंग 2A आ गया है। अब जो है उन्होंने ऑडियो में भी नथिंग बर्ड्स लाया है, उसके साथ साथ फिर नथिंग ईयर आया था, नथिंग ईयर 2 आया है अभी, और अब उनका सब ब्रांड जो है CMF करके बाय नथिंग लॉन्च किया है। तो CMF का मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो है CMF बर्ड्स प्रो, एंड ये जो है वो है मीवी का। तो ये दोनों ब्रांड्स के हम कंपेरिजन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है कंपेरिजन का, वो है प्राइस। तो नथिंग की प्राइस क्या है और मीवी की प्राइस क्या है। मैंने दोनों की अनबॉक्सिंग की है मेरे चैनल पे, आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं, फुल डिटेल रिव्यू आपको मिल जाएगा दोनों प्रोडक्ट का। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैंने रिव्यू किए हैं और उसके बारे में आपको बताया भी है। और ये मीवी का जो प्रोडक्ट है मैंने लिया था 700 में, अब इसकी प्राइस है 1400। तो ये मिल रहा है 1400। अब आप पूछेंगे 700 कैसे मिला, तो मीवी का कुछ एक ऑफर चल रहा था 1+1 का, तो मैंने उसमें इसे परचेस किया और मुझे ये 700 में मिला, और 700 में ब्लूटूथ स्पीकर मिला है। तो उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया है। और जैसा कि मैंने बताया, ये 1300 का है और ये है 2500 का। तो जो नथिंग बड्स प्रो है वो 2500 का मिल रहा है, और इसका जो दूसरा वर्जन है CMF बड्स, वो आपको 2200 रुपये कम मिल रहा है, 2300 के आसपास कुछ मिल जाता है वो आपको। तो वो उसका थोड़ा लोअर वर्जन है, ये इसका हायर वर्जन है, बट ये नथिंग ईयर से भी लोअर वर्जन का हेडफोन है। तो अब आते हैं, हमारा दूसरा पॉइंट है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन वाइज अगर आप देखेंगे मीवी का, तो ये है एक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। तो ये मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो इस पर कुछ स्क्रैचेस दिख नहीं रहे हैं। बट वहीं आप अगर CMF का देखेंगे, तो ये दोनों मेरे पास ब्लैक कलर में है, इसमें एक और कलर आता है ऑरेंज, और इसमें भी 2-3 कलर और आते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर है ये मैट फिनिश के साथ है, तो इसमें ऑलरेडी मतलब काफ़ी यूज़ हो चुका है, तो स्क्रैचेस आपको दिखेंगे। तो उस मामले में डिज़ाइन वाइज, जैसे ये ऊपर से पूरा ओपन हो जाता है, और इसकी जो हिंज है और जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी थोड़ा प्राइस ज़्यादा होने के वजह से अच्छा है, और इसका थोड़ा बहुत एकदम प्लास्टिक जैसा फील होता है हाथ में, और उसके साथ साथ ये जो है ऊपर से ऐसे ओपन होते हैं। तो ऊपर से ओपन होते हैं जैसे नॉर्मल बहुत सारे हमने देखे हैं ईयरबड्स, तो उसी प्रकार से ये भी ऊपर से ओपन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग डिज़ाइन से है, और ये जैसे पूरा एक बॉक्स है, इसे आप ओपन करेंगे तो आपके हेडफोन्स दिख जाएंगे। तो ये जो मीवी का है ये एकदम ग्लॉसी फिनिश है, इसका हम क्लोजअप आपको डाल देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस पर कितने थंब प्रिंट और स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल तो इसे ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है इसके ऊपर। और इसके ये ऐसे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ LED लाइट्स है, जो मैं अगर इसे निकालूँगा तो, और इसको फिर से डालेंगे तो ये चार्जिंग मोड में आ जाते हैं, ऐसे लाल कलर की बत्ती चलती है। तो ये बहुत सिंपल है ओपन क्लोज करने में। बाकी यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट है और कुछ है नहीं इसके अंदर। सेम यहाँ पे एक मीवी का ब्रांडिंग है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, ये CMF की ब्रांडिंग है। और ये ओपन होता है ऐसे, यहाँ पे एक चार्जिंग इंडिकेटर है लाइट, और यहाँ पे एक बटन है जिसको प्रेस करके आप इसे पहली बार जब आप पेयर कर रहे हो तो इसको प्रेस करना पड़ता है। और इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा यूनिक है, तो ये ऐसे दिखते हैं। और यहाँ पे भी पीछे इसका चार्जिंग पोर्ट है, ये इसका हिंज है,
बाकी कुछ है नहीं। और जो मैं साइज बता रहा था कि यहाँ पे इनका जो साइज है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे हैं और ये थोड़ा छोटा है, तो ये जहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है वहाँ पे ये ख़त्म हो जा रहा है। तो ये जैसे आप कान में पहनेंगे तो ये छोटा लगेगा और ये थोड़ा लंबा दिखेगा। तो ये ऐसे कुछ आप देख सकते हैं इसका साइज यहाँ पे, ऐसे ये साइज आपको पता चल जाएगी कितना छोटा बड़ा है। और इसका ये है जो मैग्नेटिक है जो यहाँ पे चिपक जाता है, और इसके जो मैग्नेट है नीचे है चार्जिंग पॉइंट, इस हिसाब से ही चार्जिंग होते हैं। और ये इसका एलईडी इंडिकेटर है। बाकी डिटेल्स जो भी है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं इसका डिटेल ओवरव्यू। अब आते हैं हमारा तीसरा पॉइंट है जो इसका बैटरी है, बैटरी कितनी चलती है। तो जो बैटरी है आपको जो बजट वाला है, जैसा मैंने बताया ये 1400 का मिल रहा है, तो इसकी बैटरी जो है 50 आवर्स चलती है। तो 50 घंटे विथ केस इसकी बैटरी चलती है, और विदाउट केस अगर आप इसका हेडफोन यूज कर रहे हैं तो 6 से 7 घंटे तक चल जाती है। उसके बाद आता है अपना CMF। तो CMF की बैटरी जो है भले इसका प्राइस ज़्यादा है तो 39 आवर्स की है। वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये 39 आवर्स चलता है, प्लस अगर इसे आप 10 मिनट चार्ज कर देंगे तो ये 3.5 घंटे चल जाता है। और इसके जो ईयरबड्स है वो 11 घंटे तक चल सकते हैं विदाउट केस। तो ये कंपनी क्लेम करती है, बट 11 घंटे नहीं फिर भी वही 7-8 घंटे तक चल सकता है, वो भी डिफरेंट कंडीशन, क्योंकि इसमें उतने सारे फीचर्स हैं। बट ये आपका 6 घंटे चल जाएगा। अब आते हैं नॉइज़ कैंसलेशन। तो जो नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर है वो आपको मिलता है CMF बड्स के अंदर। तो CMF बड्स प्रो के अंदर एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन मिलता है, यानी कि इसमें 3-4 प्रकार के नॉइज़ कैंसलेशन आपको मिलते हैं, मीडियम, लो, हाई। तो उस तरीके में इसमें वो फीचर होने की वजह से इसकी बैटरी थोड़ी कम है, क्योंकि अगर आप लाउड एनवायरनमेंट में हैं, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन यूज़ करेंगे तो उसकी बैटरी जल्दी जल्दी जाएगी। और इसमें जो है नॉइज़ कैंसलेशन बहुत लिमिटेड है, जैसे कि आप मतलब अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी इसमें बाहर की नॉइज़ आने वाली है। अब आते हैं हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन पे। तो जो इसका स्पेसिफिकेशन है ये ब्लूटूथ 5.1 पे आता है, और 11mm के ड्राइवर्स है इसके अंदर, प्लस ये जो है ये आता है 5.3 यानी लेटेस्ट वर्जन के ब्लूटूथ के साथ आता है। और इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं, अब क्योंकि आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो इसके वजह से इसके अंदर कॉल क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ फिर म्यूजिक हो गया। तो अब आते हैं साउंड क्वालिटी पे, तो दोनों की साउंड क्वालिटी बहुत अलग है, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा पे कर रहे हैं नथिंग में तो आपको बेटर थोड़ा क्वालिटी मिलेगा। एंड ये जो है मान लीजिए कि 1400 का मिल रहा है, अगर सेल आती है तो जैसा मैंने बताया आपको 700 में मिल सकता है या उसके आसपास भी मिल सकता है, तो ये अच्छा डील है जिनको एक बजट वाला हेडफोन चाहिए। और ये है मिड रेंज का, यानी कि जो कुछ 2000 के ऊपर का हेडफोन चाहते हैं उसके कंपटीशन में बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे आपको, जैसे ओप्पो हो गया, फिर बोल्ट हो गया, देन बोट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे ये प्राइस रेंज में। सिमिलरली इसके प्राइस रेंज में भी बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे, लेकिन उतना नहीं मिलेंगे जितना ये आपको फीचर दे रहा है। इसमें भी कॉल क्वालिटी, बाकी सब कंट्रोल, टच कंट्रोल सब मिल जाता है, तो ये उस मामले में भी अच्छा है। अब आते हैं पेयरिंग। तो जो पेयरिंग होती है इसकी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसे बॉक्स से निकालते हैं पेयरिंग मोड में आ जाता है, आप ब्लूटूथ चालू करेंगे और आपका जो डिवाइस है वो वहां से सेलेक्ट करके कनेक्ट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बट नथिंग के केस में क्या है, आपको पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा नथिंग एक्स करके, तो बिना ऐप के ये आपके फोन से कनेक्ट होगा नहीं। और एक बार जिस फोन से कनेक्ट हो जाता है उसके अंदर आपका डेटा सब कुछ सेव हो जाता है, आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसके अंदर। और इसका ऐप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो फुल वीडियो में मैंने बताया, वो आप चेक कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपका टच कंट्रोल हो गया या एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें वो ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर जिनको बजट वाला हेडफोन चाहिए उनके लिए मीवी बेस्ट है, ज़्यादा खर्चा करना नहीं है आपको,
बहुत सारे फीचर इसके अंदर भी आपको मिल जाते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। बट जिनके लिए अगर बजट ज़्यादा है, जो अगर 2500 के रेंज में अच्छा हेडफोन चाहते हैं, और इसका जो छोटा भाई है सीमे बड्स वो भी इसको कंपटीशन देता है, तो हम बहुत जल्द उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे। बट अभी तक जितना हमने देखा उसके हिसाब से जो सीमे बड्स है वो कंपेयर टू मी भी थोड़ा सा आगे है बिकॉज ऑफ प्राइस पॉइंट। डिज़ाइन के हिसाब से मैं कहूँगा मैट फिनिश है, तो फिलहाल दूर से तो ऐसे स्क्रैच नज़र नहीं आएंगे, बट जब आप नज़दीक से देखेंगे तो नज़र आएंगे। और ये दोनों मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि बजट वालों के लिए मी भी बेस्ट है। बट जिनका बजट अगर 2000 और 3000 के बीच में है तो वो ज़रूर CMF चेक करें। तो मेरे तरफ से दोनों प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है। फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया दोनों के प्राइस में ऑलमोस्ट ये जो CMF का है वो डबल है, तो डबल होने की वजह से फीचर्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नॉइस कैंसलेशन बेटर चाहिए, कॉल क्वालिटी साउंड क्वालिटी बेटर चाहिए, तो आप ज़रूर CMF लें। लेकिन अगर आपका बजट 1000 के आसपास है, क्योंकि ये सेल में बहुत कम प्राइस में मिलता है, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी हमारे नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपने सजेशन सुझाव क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख के हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।